यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक एक तिहाई खर्चा हुआ, हमने इतने कम समय में उसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो चार धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। वॉटरवे, सारी दुनिया वॉटरवे का समर्थन है, हमारा ही देश था कि हमने वॉटरवे को नकार दिया, आज हमारी सरकार को वॉटरवे पर काम करना रहा है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर के कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। आज उसी का परिणाम है प्रधानमंत्री ज्योति शक्ति मास्टर प्लान, एक होलिस्टिक अप्रोच, टुकड़ों में नहीं। एक आधा काम वहां रहा है, रोड बन रहा है, फिर बिजली वाला आकर के खुदाई करता है, वो भी ठीक होता है, फिर पानी वाला आकर के खुदाई करता है। उस सारी समस्याओं से बाहर आकर के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गतिशक्ति मास्टर प्लान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा देश की विशेषता को देखते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं और कनेक्टिविटी पर, इसके आधार पर हम जोर दे रहे हैं। आजादी के बाद सबसे तेज गति से ग्रामीण सड़कें कहीं बन रही है तो इस 5 साल के कालखंड में बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। आज देश नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर ड्रॉम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार इन्हीं कामों से मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की आवश्यकता है और अभूतपूर्व निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है, विकास भी बढ़ना है और विकास की गति भी बढ़ना है, और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और इसी लक्ष्य को लेकर के पिछले 7 साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हम आज ग्लोबल वैल्यू चेन के हिस्से बन रहे हैं, ये अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी निशानी है। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई और टेक्सटाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में है। एमएसएमई की परिभाषा में सुधार, एमएसएमई की परिभाषा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिए हैं। अपने छोटे उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए, एमएसएमई के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कालखंड में 3 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना भी शुरू की है और उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है।